बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमारा एक सिलसिला है, हम हाउ टू कैलकुलेट स्टील एंड स्लैब, तो वो एक पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी, वो हमारा एपिसोड 1 था। आज हम एक उसकी दूसरी वीडियो आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं, एपिसोड 2। एपिसोड 1 में हमने जो किया था कि हमने कहा कि डाया हमें किस तरह पता चलेगा, जो टेक्स्ट लिखा होता है ड्राइंग में उसका हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है, मतलब डाया क्या है, स्पेसिंग क्या है, वो सारा चीज़ हमको वहां से पता चला था उस वीडियो से। आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि नंबर्स आप बाहर किसी एक कमरे में किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर्स आप बाहर इन स्लेब, तो उसके हवाले से इसके आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन होगी। और कोई कहीं मसला आ रहा हो, आपको समझ नहीं लगी हो, तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हमारा चैनल लाजमन आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, जो रेड राइटिंग में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, ये नीचे जो सुर्ख लिखा है ना सब्सक्राइब, और इसके साथ एक घंटी भी बनी हुई है, तो सब्सक्राइब पे आप बस थोड़ा सा एक दफा इसको क्लिक करें, ये काम करें, और जो साथ में बेल आइकान है, घंटी है, उसको भी क्लिक करें, फिर देखें वीडियो, इंशाल्लाह आपको मजा भी आएगा, हमें जो है ना हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, तो हमारी भी कोई रिक्वायरमेंट होती है, हम इतना मेहनत करते हैं, तो उस मेहनत के बदले में बस आप जो लोग सिर्फ ये नीचे सब्सक्राइब और ये बेल आइकान, वीडियो को लाइक भी किया करें, एक सेकंड लगता है लाइक वाला बटन पे यू कर दिया, क्योंकि हम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एक लाइक वाला बटन भी साथ में प्रेस कीजिएगा, और शेयर करें इसको वीडियो को, ताकि लोगों को फायदा हो, मतलब आपके लिए फायदा हो, किसी और के लिए फायदा हो। तो इंशाल्लाह चलते हैं वीडियो की तरफ, और आज आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी इंशाल्लाह इस पैसे ये नंबर अप आ रहे हैं वो आज मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। पहले जो हमारी पहले एपिसोड थी स्टील के हवाले से, एक वीडियो मैंने बनाई एपिसोड 1 के नाम से, जिसमें हमने देखा कि हमने जो हमारा स्टील यूज हो रहा है कहीं स्लेब में यूज हो रहे हैं, तो वहां पे आपको जो ड्राइंग में टेक्स्ट लिखा होता है कि नंबर 4 8 6 इंच सेंटर, नंबर 3 8 8 इंच सेंटर, मेन बार कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सा होता है, वो आपको मैंने उसके बारे में समझाया कि स्पेसिंग किस तरह आपने उसका कैलकुलेट करना है या देखना है ड्राइंग पे कि स्पेसिंग कहां से कहां तक होती है, वो सारा उस वीडियो में आपको समझाया। आज इंशाल्लाह मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें पता तो चला कि सरिये का डाया कौन सा है, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन सा सरिया यूज हो रहा है, 4 सूत्र का यूज हो रहा है, 3 सूत्र का यूज हो रहा है, 6 सूत्र का यूज हो रहा है, वो पहले वीडियो का हिस्सा था। आज के वीडियो में मैंने समझाना है कि आपको लेट सपोज कोई कमरा दिया गया है, उस कमरे के अंदर ड्राइंग उन्होंने आपको दिया हुआ है, तो आपने सबसे पहले वजन जब आप कैलकुलेट करते हैं, स्टील कैलकुलेट करते हैं, तो आपको 2-4 चीजों का पता होना चाहिए। पहला ये कि ये कौन सा सरिया यूज हो रहा है, वो तो हमारे पहले वीडियो में आपको समझा दिया मैंने कि वहां पे आपको बताया कि नंबर 4 नंबर 3 स्पेसिंग सारा कुछ समझ गए। आज हम फाइंड करेंगे कि आपके एक रूम में उस स्पेसिंग के हिसाब से कितने सरिया आ रहे हैं, मतलब उसमें आपको दिया था कि नंबर 4 8 6 इंच सेंटर टू सेंटर, नंबर का आपको मैंने बताया कि 4 सूत्र का सरिया है, 6 इंच स्पेसिंग पे दिया गया है सेंटर टू सेंटर, लेट सपोज ये एक सरिया, ये एक सरिया, ये एक सरिया, ये तो ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक चेंज, फिर सेम इसके सेंटर तक चेंज, एंड इसके सेंटर तक चेंज, और गो डाउन, मतलब जितना भी दिया हुआ है वो तो आपको समझ आ गया। आज हमने फाइंड करना है कि एक कमरा है उसमें ड्राइंग में लेट सपोज आपके पास ये एक रूम दिया हुआ है, ठीक है, 16 बाय 14, ठीक है। अब 16 बाय 14 हमें लेंथ दिया गया है कमरे का, इसका मैं आपको दीवारें पे साथ मेंशन, दीवारें पे मेंशन कर लूं कि 9 इंच की इसकी दीवारें। अब क्योंकि मैं रफ स्केच बना रहा हूं, तो आपने लाइनों को नहीं उसको देखना है कि लाइनें टेढ़ी है, हमारा यहां पे जो मेन कंसर्न है लाइनें टेढ़ी का नहीं है, हमने कैलकुलेट करना है स्टील, तो जरा इस पे आप लोगों ने ज्यादा वो नहीं करना, क्योंकि ये मैं रफ स्केच बना रहा हूं। ये आपका हो गया 9 इंच की दीवार हो गई, ठीक है, ये इसकी थिकनेस है 9 इंच, सेम चारों साइडों में 9 इंच। इंटरनल जो हमारा साइज है किसी कमरे का वो 14 बाय 16 फुट है।
अब 14x16 फिट में हमने स्टील कैलकुलेट करने डायका में पता चला, स्पेसिंग का पता चला, आज हमने उसका स्टील कैलकुलेट स्पेसिंग का पता चला, नंबर ऑफ बार्स हमने कैलकुलेट करने कि इसमें कितने सरे यूज हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उसका वजन कैलकुलेट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि नंबर ऑफ बार, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ बार्स इन अ रूम या इन अ ड्राइंग या कहीं पे भी। तो उसके लिए आसान तरीका है कि आपके पास ये वाले जो सरिये हैं, ये शॉर्ट स्पेन में जो सरिये हैं, ठीक है, ये आपके हो गए। इसको कहते हैं कि शॉर्ट स्पेन पे जितने भी सरिये हैं इसकी स्पेसिंग भी दी है। लेट सपोज इसकी स्पेसिंग है, अच्छा एक चीज और बताऊं कि जब आपने शॉर्ट स्पेन वाले सरिये कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए लेंथ आपने लेना है लॉन्ग स्पेन। वो किस तरह हो मैं आपको बताता हूं। ये है नंबर 4 इटरेट 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये जो हमारा मेन बार, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, मेन बार्स। पहले हम कैलकुलेट करते हैं मेन बार्स, उसके लिए फार्मूला कौन सा है। मेन बार्स के लिए आपके पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1, ये आपका फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। अच्छा, जो हमारा स्पेसिंग का फार्मूला है जिसे हमने नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करना है, वो ये है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। अब लेंथ, लेट सपोज आपने मेन बार आपने कैलकुलेट करना है ये शॉर्ट स्पेन पे, तो आप इसके लिए लेंथ जो लेंगे, ये लेंथ आप लेंगे, ये आप लेंगे ये वाला लेंथ, ये मिसाल के तौर पे ये लेंथ हो गया, और ये इसके लिए आप उसका अपोजिट लेंथ लेंगे। आपने ये वर्टिकल सरिये कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए लेंथ आप हॉरिजॉन्टल लेंगे। आपने हॉरिजॉन्टल सरिये कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए लेंथ आप ये कंसिडर करेंगे। अभी हम चूंकि वर्टिकल शॉर्ट स्पेन वाले सरिये कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके लिए जो हम यहां फार्मूले में लेंथ लेंगे वो हमने लॉन्ग स्पेन को इसमें फिट करना है। अब लेट सपोज इसका लेंथ हमारा बनना है 16 फुट, इसका इंटरनल साइज हो गया 9 इंच 9 इंच, ये हो गया 17.5 फुट, हो गया 17 फुट 6 इंच, ठीक है। या इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, सॉरी, कि आपके पास ये आ जाएगा 17.5 फीट। अब हम शॉर्ट स्पेन या मेन बार को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले में लेंथ की जगह लॉन्ग स्पेन वाला लेंथ लेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है, तो लेंथ की जगह हमने क्या लेना है, इंटरवल 16 फुट है, 9 इंच ये प्लस कर दिया 9 इंच, 17.5 फुट हो गया, तो लेंथ की जगह हम डाल देते हैं 17.5 फीट मल्टीप्लाई बाय 12। ये मल्टीप्लाई बाय 12 इसलिए करते हैं कि हम ये फुट में है तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए इंचों में, और वो क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये स्पेसिंग है ना, स्पेसिंग आप जो आपको मैंने समझाया था कि ये एड्रेस 6 इंच सेंटर टू सेंटर, मतलब ये इधर से चेंज हो गया, ये इधर से चेंज हो गया, ये यहां से चेंज हो गया, ये चेंज वाली स्पेसिंग की जगह आपने स्पेसिंग की जगह ये लिखना है। अब ये सपोज यहां पे आप चेंज लिखेंगे, और ये 12 को हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि ये चूंकि फुट में, स्पेसिंग हमारा इंचों में, तो या तो दोनों को हम फुट में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर अगर हम ये करते हैं कि हमने इस तरह नहीं करते, हम ये करते हैं कि 17.5 डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1, तो स्पेसिंग डायरेक्ट हम फुटों में कन्वर्ट कर ले तो 0.5 आ जाएगा प्लस 1, ये भी ठीक है। और अगर वो नहीं करते तो आप ये करें कि आपके पास वही फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। लेंथ हम वो शॉर्ट स्पेन के लिए सरिये मालूम करने के लिए लंबाई वाला जो हमारा लेंथ है वो हम ले लेंगे, उसको स्पेसिंग डायरेक्टली हम इंचेस पे डिवाइड करेंगे। इसको 12 से इसलिए जरा दे रहे हैं कि ये फोटो को हम कन्वर्ट करते हैं इंचेस में। तो इसका जो हमारे पास, आपको मैं अभी इसकी कैलकुलेट करके बताता हूं, आप जरा कर ले 17.5 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 6, ये आपका आ जाएगा प्लस 1 करना है, प्लस 1 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, ठीक है।
आप खुद भी कैलकुलेट कर ले, 17.5 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 कर ले, तो आपके पास ये 36 नंबर आएंगे प्लस 1 के बाद, ठीक है, 36 नंबर आ जाएंगे। अब 36 आपने यहां से कैलकुलेट करना है, ये एक एक इस दीवार से आप ले रहे कि चेंज पे फिर चेंज पे फिर चेंज पे, इस तरह ये सारे आपके कितने आएंगे सरिये, तो मेन बार में आपके जो सरिये आ जाएंगे उसके क्या उसको आपने इस तरह लिखना है, ठीक है, इसको मैं तो यहां पे लिख लेता हूं। अब ये हमारा हो गया नंबर 4 एट रेट 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ये हमने कैलकुलेट करने नंबर ऑफ बार्स फार्मूले में से हमारे पास आ गया 36 नंबर, तो ये हमारा हो गया मेन बार, मेन बार्स नंबर 4 सॉरी नंबर 4 ये कितने आ गए 36 नंबर्स, ठीक है, नंबर 4 हमारे पास आ गया 36 नंबर। अब ये तो हमारे पास आ गया कि मेन बार हमने कैलकुलेट किया और उसके हमारे पास नंबर्स आ रहे 36 नंबर्स, ठीक है, 36 नंबर्स हमारे पास आ गए और इसका लेंथ क्या आ रहा है हमारे पास, ये 36 आ गए, ये इसका लेंथ कैलकुलेट होगा यहां से लेके इधर तक। अब ये इंटरनली जो इसका लेंथ है वो है 14 फुट, ठीक है, 14 फुट 14 फीट, 14 के साथ हम 9 इंच ये प्लस कर लेते हैं और 9 इंच ये प्लस कर देते हैं, तो 14 प्लस 1.5 ये आपका हो जाएगा 15.5, जो मेन बार है उसका लेंथ बनना है 15.5, तो ये इसका लेंथ हमारा पास आ गया 15.5 फीट, ठीक है, मेन बार हमारे पास आ गए, 36 नंबर लगेंगे कौन से कमरे में, 16 बाय 14, ठीक है, 16 बाय 14 में हमारे पास जो मेन बार है जो शॉर्ट स्पेस पे लग रहे हैं वो हमारे पास 36 नंबर आ गए, डाया उसका नंबर 4 है, स्पेसिंग जो है ना उन्होंने दी हुई है चेंज पे, वो हमने कैलकुलेट किया तो उसका आ गया 36 नंबर, लेंथ उसका आ गया हमारे पास 15.5 फीट, ठीक है 15। अब हम क्या करते हैं कि आगे हम करते हैं कैलकुलेट इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी हमने इसी फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करना है जिस तरह आपको पहले हमने जिस फार्मूले पे हो गया है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1 इक्वल टू, यही फार्मूला है मेन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हम क्या करते हैं कि यहां पे लेंथ क्योंकि हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारे ये सरिये लग रहे हैं, लेट्स सपोज इस ये इन्होंने स्पेसिंग दी हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना, तो इसकी स्पेसिंग है हमारे पास है, ये देखे ये डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, स्पेसिंग इसका लिखा हुआ है कि नंबर 3 एट रेट 8 इंच सेंटर टू सेंटर, ये इसका दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बार का कि नंबर 3 एट रेट सेंटर टू सेंटर। आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कंसीडर कर रहे हैं, वजह ये कि जो लॉन्ग स्पेन पे हमारे जो सरिये लग रहे हैं वो हमारे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार और जो मेन बार है वो जो शॉर्ट स्पेन पे लगते हैं वो होते हैं हमारे मेन बार। मेन बार हमेशा आपका पहले आप सरिये जाल में चाहते हो तो पहले नीचे आपने मेन बार लगाने हैं, उसके ऊपर जो सरिया आएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगे, फिर उसके ऊपर डबल जाल आता है जिसको एक्स्ट्रा बार कहते हैं, जो पहले वहां पे होते हैं क्रैंक्स बार होते हैं या बेंट अप बार होते हैं वो आजकल खत्म हो गए, आजकल ज्यादातर एक्स्ट्रा बार का जमाना, मतलब एक्स्ट्रा बार लोग यूज करते होते हैं उसका ट्रेंड चल रहा है, तो खैर वो बाद में बताते हैं। फिर मेन हम जब कैलकुलेट करते हैं मेन बार जो मेन सरिया है इसका डाय हमेशा मोटा होता है या नीचे लगता है, वो आपकी स्पेसिंग कम होती है या बराबर होती है दोनों डिस्ट्रीब्यूशन और मेन की, तो वो हमने कैलकुलेट किया 36 आया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉन्ग हमारे सरिये यूज हो रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसकी स्पेसिंग हम एज्यूम करते हैं कि डाय उसका नंबर 3 है एट रेट 8 इंच सेंटर टू सेंटर, कि ये एक दूसरे से 8 इंच और 8 इंच के फासले पे लगे हैं, ठीक है बिछाए हुए इस तरह, तो इसकी हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं नंबर सॉरी इसकी कैलकुलेट किया अभी हमारे ये सरिये कितने लगे हैं, ये छोटे वाले तो हमें पता चला कि 36 लगे हैं। अब हम इसको क्या करते हैं कि हम कह रहे हैं कि जो लंबे सरिये लग रहे हैं लंबे छोटे बार लग रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बार जो लग रहे हैं ये कितने आएंगे ना, तो उस कितने के लिए हम इसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं ये आप देखें,
ये लेंथ हमारे पास, क्योंकि हम ये लंबे से ये कैलकुलेट करें, तो इसके लिए हम लेंथ ये वाला कंसिडर करेंगे, ये इधर से लेके इधर तक, मतलब 14 फुट इंटरनल, 9 वो वाला दीवार में ऊंची वाला, तो ये हमारे पास आएगा 15.5 फीट। ये लेंथ हम लेंगे क्योंकि अब हम छोटा स्पेस लेंथ लेंगे, तो बड़े सरिये लंबाई के रॉन्ग सरिये उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए स्पेन हम ये छोटा वाला कंसिडर करेंगे, जो लेंथ है, लेंथ की जगह हम लिख लेंगे 15.5 मल्टीप्लाई बाय 12। इसकी स्पेसिंग यहाँ पे आप अगर देख ले तो 8 इंच है, जबकि इसकी स्पेसिंग यहाँ पे 6 इंच थी। मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 8 + 1, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का फार्मूला है, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं कि हम इसको, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि लेट सपोज ये हमारे पास है 15.5 मल्टीप्लाई बाय 12, आप खुद भी कर सकते हैं, इससे आएगा 186। अच्छा, इसको डिवाइड करें 8 पे, तो ये आएगा 23.25 प्लस 1, ये 24.25। तो आप इसको 25 भी कंसीडर कर सकते हैं और इसको 24 भी कर सकते हैं, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ 24.25। तो इसको आप 25 कंसीडर करते हैं, अगर आप सरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इसको 25 कंसीडर करें, ताकि बाद में मौके पे आपके पास सरिया कम ना हो। तो इसको हम क्या करते हैं, 24.25 की जगह में इसको लिख लेते हैं 25 नंबर्स, क्योंकि नंबर्स आपने इसको एक राउंड फिगर में डालना है, 23 डाल दे या 24 डाले, सॉरी या 25, पॉइंट इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि हमने पूरा पूरा सरिया डालना है, तो पॉइंट का अगर पॉइंट के बाद कोई 0.25 है तो आधा सरिया तुम भी डाल सकते ना, हम इसको पूरा कंसिडर करते हैं, तो या तो इसको 24 ले लेंगे या 25, बीइंग ऑन द सेम साइड इसको हम 25 नंबर ले लेते, ठीक है। तो हमारे पास ये फार्मूला है, अब यहां पे हम लिख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है ना, बस उसका हमारे पास क्या है, नंबर 3 है, मतलब 3 सूत्र का सरिया है, और ये कितने होंगे, ये होंगे हमारे 25 अदद, ठीक है। अब इसका लेंथ हमारे पास कौन सा आएगा, क्योंकि ये लंबा सरिया इधर से इधर तक, ये आपके पास ये वाला एरिया है लेंथ, इसके लिए हम इसका ये लिख लेंगे, क्योंकि एक सरिया का लेंथ बन रहा है 17.5 फीट, दूसरे का भी 17.5, तो इसका लेंथ हम यही लेंगे, इसका लेंथ आएगा 17.5 फीट, ठीक है। तो आज की वीडियो में व्यूअर्स मैंने आपको समझाया कि हम सरिया कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमें पता हो कि सरिया कौन सा यूज हो रहा है, किस डाय का यूज हो रहा है, मतलब मेन बार कौन सा डाय यूज हो रहा है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सा डाय यूज हो रहा है। जिस तरह आपको ये नजर आएगी, ये मेन बार हमारा है नंबर 4 और ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है नंबर 3। अब फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि उसकी स्पेसिंग क्या है, तो जो मेन बार है इसकी स्पेसिंग हमेशा कम होती है, तो वो आप 6 इंच 6 इंच हमने कंसिडर किया। डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग उससे ज्यादा होती है या फिर उसके बराबर होती है, वो या तो चेंज भी हो सकते हैं, साथ भी हो सकते हैं, डिजाइन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने इसको कंसीडर किया 8 इंच, ये भी हमें पता चल गया। फिर हमने क्या किया कि हम इसको कैलकुलेट करना था हमने कि ये छोटे सरिये मेन बार हमारे कितने आदत लग रहे हैं, तो उसका फार्मूला था लेंथ मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। अच्छा, जब हम शॉर्ट स्पेन पे सरिये कैलकुलेट करते हैं कि हम छोटे सरिये कितने लग रहे हैं, तो ये इसके लिए हम ये वाला लेंथ लेते हैं, ये वाला कि यार एक सरिया इधर लगा, फिर उसके बाद एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा। तो इसका एक और तरीका मैं आपको वैसे समझा दूं कि लेट सपोज आप एक लाइन खींचते हैं जमीन पे, खींचते हैं आप इंची टेप से पीते से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, जमीन पे, या एक सरिया ले ले आप, उस पर इधर से शुरू करें एक, फिर चेंज के बाद एक, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, मतलब ये चेंज चेंज। अब अगर आप चेंज चेंज इस तरह करेंगे ना, चेंज 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 चेंज, तो भी आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन वो फिर आप 4-5 हफ्ते लगेंगे आपको सरिया कैलकुलेट करने में, गड़बड़ा पा जाए तो, क्योंकि 200 फुट लंबाई में आप चेंज चेंज पे निशान लगाएंगे, एक कवर फारी होगी, उस फारी से बचने के लिए फार्मूला होता है कि आप डायरेक्टली इसकी जगह लिख लो कि टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय स्पेसिंग। तो हमने क्या किया कि लंबा, मतलब जो मेन बार इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने लेंथ दिया 17.5 फीट इधर से लेके इधर तक, यहाँ पे वो यूज किया मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 6, और जो हमने लंबे सरिये कैलकुलेट करने थे तो उसके लिए हमने क्या किया कि उसके लिए हमने शॉर्ट स्पेन को लिया,
लंबे सरिये मालूम करने के लिए आपको शॉर्ट स्पैन को एज अ लेंथ लेना होता है, और शॉर्ट सरिये मालूम करने के लिए लंबे लेंथ को लेंथ लेना होता है। तो वो हमने ये किया और इससे हमारा कैलकुलेट करके ये 25 नंबर आ गए। तो ये मैंने कैलकुलेट करवा के आप सबको बता दिया व्यूअर्स। इसके बाद भी अगर कोई आपको कोई मसला है इसमें कैलकुलेट करने में तो हम आते हैं, आप किसी भी टाइम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम आगे से बताएंगे। और जो इससे पहले हमारे वीडियो थी जो थी कि स्टील कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट स्टील इन स्लैब आरसीसी स्लैब, वो था एपिसोड 1, आप उसको भी आप देख सकते हो, उसका मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, तो आप पहले उस वीडियो को देख लें और उसकी कंटिन्यूटी में आप फिर ये वीडियो देखेंगे, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्पेसिंग क्या होता है, डाया क्या होता है, ये सारा उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। यहाँ पे आपने सरिये के नंबर आप बार कैलकुलेट करने हैं कि कितने नंबर लगेंगे, वो आपको इस वीडियो में आपको बता दिया। कोई किस्म की आपको इम्बेक्विटी हो या कोई मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिस्कस करेंगे कि इसका वजन हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, तो वो भी एक जरूरी स्टेप है, वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। ये हमारा एपिसोड 2 हो गया, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज ये भी है कि हमारी वीडियो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हो सकते किसी के काम आ जाए, तो बस ये मेहरबानी करें। और कोई भी मसला हो स्टील के हवाले से तो जितना हमारे पास नॉलेज होगा इंशाल्लाह, हमने कोशिश शुरू की हुई है कि हम स्प्रेड करें इस चीज़ को, बजाय इसको कि हमने जितना 15-20 साल लगाया है इस चीज़ को सीखने में, और वो हमें बड़ी मुश्किल से सिखाई गई या हमने बड़ी मुश्किल से सीखी, और एक बंदे से भी नहीं सीखी, मुख्तलिफ जगहों पे काम करके सीखा है, थोड़ा थोड़ा कहीं इधर से कहीं उधर से, वो सारी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू बड़े आसान अल्फाज में या 1-2 घंटे में ये सारी वीडियो होंगी, उसमें आप इजीली इसको इससे आपको सीख सकते हैं। 15-20 साल वाला काम आपको मैं बहुत इजी तरीके से, मतलब 10-10-15-15 मिनट की वीडियो में सिखाए जा रहा हूँ, तो कोशिश कीजिएगा इसको पूरा वीडियो देखें, और इंशाल्लाह कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।